हाय एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 किलो गाजर ली है। अब हम इनको छील लेंगे। गाजर को हमें बहुत मोटा नहीं छीलना है। गाजर को छीलने के लिए मैंने यहाँ पर चाकू का इस्तेमाल किया है और गाजर छीलने के बाद मैंने ऊपर और नीचे के हिस्से को थोड़ा थोड़ा काट कर निकाल दिया है। इसी तरह मैंने अपनी सारी गाजर छील कर धो ली है। अब हम इनको कद्दूकस करते हैं। गांव में जिस तरह से गाजर का हलवा बनाया जाता है, आज मैं उसी तरह से गाजर का हलवा बना रही हूँ, इसलिए आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें। जब भी आप गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर खरीदें, तो इस बात का ध्यान रखें कि गाजर बहुत ज़्यादा मोटी ना हो। हमने यहाँ पर एक गाजर को कद्दूकस कर लिया है। इसी तरह हम अपनी सारी गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। देखिए हमारी सारी गाजर कद्दूकस हो चुकी हैं। अब हम आगे इन्हें बनाना शुरू करते हैं। चलिए अब हम गाजर के हलवे को बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया है। इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। हमारा जो दूध है वो अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही गर्म होने देंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। तब तक हम इलायची से उसके बीज निकाल लेंगे। हमारा जो दूध है वो अच्छे से उबल रहा है। इसको चलाते हुए ऐसे ही उबालेंगे जिससे ये नीचे चिपके ना। अब हम उबलते हुए दूध में इलायची के बीज डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। अब हम इसमें किशमिश डाल देंगे। उबलते हुए दूध में किशमिश डालने से किशमिश अच्छे से फूल जाएगी। अच्छे से मिला लेंगे। दूध में किशमिश और इलायची के बीज को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें गाजर डाल देंगे। गाजर को दूध में थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालें, एक साथ पूरी गाजर नहीं डालनी है। हमने पूरी गाजर दूध में डाल दी है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। दूध में गाजर को मिलाने के बाद हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये पकते पकते गाढ़ा ना हो जाए। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे जिससे हलवा नीचे से जले ना। दूध में गाजर डालने के बाद अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसे एक बार मिला लेंगे फिर से। हमारा जो हलवा है पकते पकते आधा हो गया है। हम इसे ऐसे ही मिलाते हुए पकाएंगे। ऐसे ही दबाते हुए गाजर को दूध में अच्छे से मिक्स करते हुए बनाएंगे जिससे जो गाजर है दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए गाजर दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी है। जिस तरह से मैं गाजर को दूध में मिक्स कर रही हूँ ऐसे ही करना है। गैस का फ्लेम मीडियम लो ही रखना है, फुल फ्लेम पे नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जो हलवा है तली पे बहुत ज़्यादा चिपकने लगता है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी बीच में इसे चलाना है।
देखिए दूध जो है वो अच्छे से गाजर के साथ मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार चीनी डाल देंगे। दूध और गाजर का स्वाद मीठा होता है, इसलिए हमें गाजर के हलवे में ज्यादा चीनी की जरूरत नहीं होती है। चीनी डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे। हलवे में चीनी डालने के बाद ये थोड़ा सा गीला हो जाता है, पानी छोड़ देता है, इसलिए हमें लो फ्लेम पर इसको पकाना है चलाते हुए। अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। मैंने यहाँ पर काजू बादाम लिए हैं, कुछ काजू को मैंने साबुत डाला है कुछ तोड़ के। देखिए हमारा जो हलवा है वो अच्छे से बन चुका है, दूध एकदम गाजर के साथ मिक्स हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। जब तक कढ़ाई थोड़ी नॉर्मल नहीं हो जाती है, हल्की ठंडी नहीं हो जाती है, तब तक हम इसे चलाएंगे। हमारा जो हलवा है बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।